नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुंवर। एस्ट्रो साइंस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा चैनल निशुल्क ज्योतिषीय परामर्श उपलब्ध कराता है। अपनी फ्री कंसल्टेशन पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँच जाए। वृश्चिक राशि 15 से 21 फरवरी 2019 का ये तीसरा सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए दोस्तों इस सप्ताह में आपके घर परिवार, आपके आर्थिक स्थिति, आपके वैवाहिक जीवन में सुख, इन सारे विषयों पर ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा बात करते हैं। दोस्तों, 15, 16, 17 फरवरी चंद्रमा दोपहर के 2 बजे तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी सेहत खराब हो सकती है। दोस्तों, ये समय वृश्चिक राशि वालों को सावधानी पूर्वक बिताने का है। दोस्तों, अष्टम भाव में चंद्रमा का होना आपके सेहत को खराब करेगा, दुर्घटना हो सकती है, वाहन चलाते समय सावधानी बरते। इन दिनों में संभल कर फूंक फूंक कर अपने कदम रखें। जो भी डिसीजंस ले वो सोच समझ कर आपको लेना चाहिए। इस समय में आपके साथ धोखा हो सकता है, आपको छोटी मोटी चोटें भी लग सकती है। इन दिनों में आपकी मनोस्थिति कमजोर रहेगी, आप दोगले स्वभाव के रहेंगे, डिसीजंस इतने जल्दी ले नहीं पाएंगे। करूं कि ना करूं ये स्थिति इन दिनों में बनी रहेगी। इन दिनों में आपको मानसिक पीड़ा और सरदर्द भी हो सकता है, आप आलसी भी रह सकते हैं। इन दिनों में आपका मन डरा डरा सा रहेगा, आपका मन भटकेगा, कहीं पर भी आप टिक कर काम नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, इन दिनों में इधर उधर ना घूमें, व्यर्थ के कामों को ना करें, जिस वजह से आपका पैसा और समय खराब हो सकता है। अगर आप वैवाहिक हैं तो आपके वैवाहिक जोड़ीदार के साथ भी मनमुटाव होने के पूरे आसार हैं। आपके अपने जोड़ीदार के साथ किन्हीं पुराने बातों को लेकर वाद विवाद हो सकता है। इन दिनों में आपके तनाव के कारण आपका घर का माहौल खराब हो सकता है। सर दर्द, मानसिक पीड़ा के कारण व्यापार और जॉब करने वालों को अपने कार्यस्थल पर मन नहीं लगेगा। दोस्तों, इन दिनों में आलस के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में विद्यार्थियों का मन अपने पढ़ाई पे नहीं लगेगा, जो भी एग्जाम्स हैं उनमें अच्छी सफलता प्राप्त नहीं होगी। परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके मन मुटाव रह सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में धन का लेन देन ना करें, पैसों का कोई भी नया निवेश ना करें, सावधानी रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं 17 तारीख दोपहर के 2 बजे के बाद का समय 18 और 19 फरवरी की। चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे। दोस्तों, ये समय भी आपके सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के साथ नवम भाव में राहु है, जो कि ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों, आपको सावधानी पूर्वक ये समय बिताना होगा। इस समय में आपको बहुत अधिक मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हासिल होगा। मेहनत में कमी आपको निराश करेगी, क्योंकि मेहनत में आपका मन नहीं लगेगा। दोस्तों, इन दिनों में बुरी संगति से आप बचे, नशे इत्यादि का सहारा बिल्कुल ना ले। नौकरी और व्यवसाय में कोई भी नया फैसला लेने से पहले सावधानी बरते। इन दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति एवरेज रहेगी, जिससे आपका मन खराब रह सकता है। दोस्तों, ये समय सोच समझ कर अच्छे से डिसीजन लेने का है, नहीं तो आप मान सम्मान पैसे का हानि करेंगे। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के मामलों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कारणों से आपको इन्वेस्टमेंट करना भी पड़े तो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। अपने शत्रुओं से सावधान रहें, आपको वो हानि पहुंचा सकते हैं। इन दिनों में किसी पर भी अंधविश्वास ना करें, खुद देखकर सोच समझ कर अपने डिसीजंस ले। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं 20 और 21 तारीख की। चंद्रमा आपके दशम भाव में होगा, आपके कर्म भाव में होंगे। इन दिनों में नौकरी और व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी, उसी के साथ आपको भाग दौड़ भी करनी पड़ेगी। दोस्तों, जितना आप पिछले दिनों में नहीं पाए थे, आप इन दिनों में वो हासिल करेंगे। इन दिनों में आपका स्वभाव अच्छा रहेगा, आपको यश और कीर्ति दोनों ही मिलेगी। बिजनेस करने वालों को इन दिनों में मुनाफा होगा, और जो लोग जॉब करते हैं उन्हें अपने जॉब में प्रमोशन मिल सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके रिश्ते मधुर होंगे। दोस्तों, इन दिनों में आपको संतान सुख भी मिलेगा, विदेश यात्राओं के योग भी इन दिनों में बन रहे हैं। आपकी संतान के ओर से आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न हो जाएगा। आप बड़े ही उच्च लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो,
या फिर आपका कोई व्यवसाय हो, प्रकार के कामों से आपको लाभ मिलेगा। घर में खुशखबरी आएगी, वाहन का सुख या घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आ सकती है। दोस्तों, इन दिनों में सभी के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे, अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों, ये था साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक राशि के लिए। अगर आपको ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।